सब्सक्राइब कीजिए MS जादून यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपने फेसबुक ग्रुप बना रखा होगा और फेसबुक ग्रुप के अंदर आपको पता है कि तीन कैटेगरी होती है, उसमें आप उसको पब्लिक कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और प्राइवेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप प्राइवेट से पब्लिक नहीं कर सकते। दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि आप फेसबुक ग्रुप पर जाएंगे, आप देख लीजिएगा, आप जैसे ही फेसबुक ग्रुप के अंदर जाते हैं तो दोस्तों वहां पर आपका ग्रुप फर्स्ट में तो पब्लिक रहता है। जैसे कि हम फेसबुक ग्रुप पर गए, फेसबुक ग्रुप पर जाने के बाद में आप देखेंगे यहां पर आपको आपका जो भी ग्रुप है, जैसे कि मैं अपना ग्रुप दिखा देता हूं, तो दोस्तों यहां पर मैं अपना ग्रुप दिखाऊंगा। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आपको जो भी आपका फेसबुक ग्रुप है वो आपको दिख जाएगा। और जैसे ही आप देखेंगे तो यहां पर जैसे कि मेरा फेसबुक ग्रुप है करणी सेना, तो यहां पर ये प्राइवेट ग्रुप है दोस्तों। इसका यहां पर देखेंगे 415 के मेंबर है, यानी 415,000 मेंबर है और ये प्राइवेट ग्रुप है। अब दोस्तों आप इसकी सेटिंग यानी कि प्राइवेट से इसको पब्लिक नहीं कर सकते। दोस्तों आप ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आपका फेसबुक ग्रुप यदि पब्लिक है तो उसको क्लोज या प्राइवेट कभी मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने कर दिया तो दोस्तों आपके ग्रुप को केवल वो ही लोग सर्च कर सकते हैं जो उसमें ऑलरेडी ऐड है, यदि उसमें कोई भी ऐड नहीं है तो वो आपके ग्रुप को सर्च नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप इस ग्रुप को पब्लिक ही रहने दीजिएगा, इसको प्राइवेट कभी मत कीजिएगा, क्योंकि पब्लिक से प्राइवेट तो हो जाता है लेकिन प्राइवेट से पब्लिक कभी नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है, यानी कि 5,000 मेंबर जब आपके ग्रुप में हो जाते हैं तो उसके बाद में यदि आप प्राइवेट पब्लिक से प्राइवेट कर देते हैं तो फिर वो प्राइवेट से पब्लिक कभी नहीं होता है। तो आप ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत नुकसान होगा यदि आपने प्राइवेट कर दिया तो। तो आई होप के आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से अपने ग्रुप को पब्लिक रखेंगे। आपको दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे ही हम यहां पर जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे ग्रुप सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। ग्रुप सेटिंग के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे प्राइवेसी का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा तो यहां पर आप देखेंगे प्राइवेट ही है, यहां पर और कुछ नहीं हो सकता, यहां पर ओनली प्राइवेट ही रहेगा। यदि ये पब्लिक होता तो यहां पर आपको क्लोज का और प्राइवेट का दोनों का ऑप्शन आपको मिलता, लेकिन ये यहां पर प्राइवेट है, इस वजह से यहां पर पब्लिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप कभी भी पब्लिक से प्राइवेट मत कीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि यदि आपको मेंबर ज्यादा से ज्यादा जोड़ने हैं अपने ग्रुप के अंदर तो कभी भी पब्लिक से प्राइवेट कभी मत कीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट से पब्लिक बाद में नहीं हो पाता है। मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं उसको आप समझ लीजिएगा, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।